नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा नए मोटर व्हीकल एक्ट की हो रही है। जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, तभी से ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों में ऐसा खौफ है कि लोग अपने घरों से ही पूरे कागज लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जरा सी गलती आपकी जेब को अच्छा खासा फटका लगा सकती है। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर ट्रैफिक नियमों की ऐसी मार पड़ी है कि वो अदालतों के चक्कर काटते काटते परेशान हैं। आम लोगों पर तो ये दोहरी मार की तरह है। छोटी मोटी ट्रैफिक नियमों की गलती पर भी उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि आपका भारी भरकम चालान महज 100 रुपए में रद्द भी हो सकता है, तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा हो सकता है। चाहे आपका चालान कितना भी भारी क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ 100 रुपए देकर उसे रद्द कराया जा सकता है। दरअसल ज्यादातर लोगों को ट्रैफिक चालान को लेकर बने इस खास नियम के बारे में पता नहीं है और यही वजह है कि वो परेशान हो रहे हैं। कईयों को तो अदालत तक में जाना पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है। अगर आप उस शर्त को पूरा करते हैं तो आपका चालान माफ हो जाएगा। नियम के मुताबिक अगर आप बिना इंश्योरेंस, बिना RC, बिना लाइसेंस, पॉल्यूशन और बिना परमिट के कागजात के पकड़े जाते हैं, तो आप अपना चालान रद्द करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 15 दिन का समय मिलेगा। चालान होने पर आपको संबंधित प्लानिंग ब्रांच जाना होगा। संबंधित ब्रांच में आपको अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। दस्तावेज दिखाते ही आपका चालान रद्द हो जाएगा, लेकिन ये दस्तावेज चालान होने की तारीख से पहले के होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दस्तावेज आपने बनवाए जरूर है, लेकिन किसी वजह से या भूलवश आप उन्हें अपने साथ लेकर नहीं आ पाए, या ये कागजात घर पर या कहीं और रह गए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई वाहन भी जब्त हो गया हो, तो भी आप इसी प्रक्रिया के तहत अपना चालान माफ करवा सकते हैं। प्लानिंग ब्रांच में जाकर जिस भी बिंदु को लेकर चालान हुआ हो, उसकी जांच करवानी पड़ती है। अगर आपके वो दस्तावेज पहले से ही बने हो, तो आपका चालान रद्द हो जाएगा और आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। यही वजह है कि वो बेचारे अपने भारी चालान को भरने के लिए मजबूर हैं। ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है और ये जब एक्ट बना तब 20 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्री इनकी कमेटी बनकर उनने उसमें करीब 7 पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, उन्होंने रिकमेंड करके एक्ट आया। फिर ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के पास गया, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया पार्लियामेंट में, उन्होंने इसको सजेशन दिए, उसके बाद बना हुआ है। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती है और 18 से 35 वयोगट में 65% डेथ है। क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए? अगर कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है सर। कई 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 केसेस ऐसे आए हैं, बड़े मतलब मजेदार वाक्य हो गए कि स्कूटी की कीमत 15,000 है, चालान कट गया 23,000 रुपए का। आप स्टोरी बना रहे हो, अभी एक ऑटो रिक्शे वाले की बात है, वो दारू पी के भी था, लाइसेंस भी नहीं था, कागज भी नहीं थे। अगर इस प्रकार से एक्सीडेंट होता कौन जिम्मेदार है? और सब प्रकार के फाइन इकट्ठा हुआ तब आया। तो मुझे लगता है कि देखिए, इसमें सरकार को फाइन ज्यादा करने की कोई ये नहीं है, इच्छा नहीं है। प्रश्न ये है कि ऐसा समय ना आए कि किसी के ऊपर फाइन लगे, सब कानून का पालन करें।